हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। सो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल में। और फाइनली बहुत सारे कमेंट के बाद हमने ई पाठशाला के चैनल पे पॉलिटिकल की वीडियो स्टार्ट कर दी है। वीडियो के तीन पार्ट हैं जो समय समय पे आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ है, यानी कि संविधान क्यों और कैसे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये चैप्टर पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है, तो ये पुस्तक हमें संविधान से रिलेटेड बहुत सारे काम तो बताती है, लेकिन आप इस चैप्टर के अंदर बेसिकली चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सब से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस बुक के अंदर, जो आपकी पहली बुक है। तो यानी कि सरकार के बीच का जो ढांचा होता है, सरकार की जो संस्थाएं होती है, इनके बीच का सिद्धांत यूज़ हो रहे हैं, क्या अप्रोच यूज़ हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, इन सब चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो चैप्टर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे जो है, उसके अंदर आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा, बेसिकली वैसे पूरी चैप्टर का यही टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चुनाव के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, उनसे रिलेटेड मंत्रिपरिषद के बारे में, सब कुछ संविधान के अंदर लिखा गया है। दैट इज़ वाई सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। दूसरा, समाज के लिए संविधान क्या करता है, क्योंकि सोसाइटी का बहुत बड़ा तबका अलग अलग सोसाइटी से रिलेट करता है, तो इसका संविधान पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, ठीक है। देन हम जानेंगे कि समाज में शक्तियों को बांटने के लिए संविधान इन सभी सोसाइटीज़ को कैसे नियंत्रित करता है या गवर्न करता है। एंड देन फाइनली भारत का संविधान कैसे बनाया गया, क्या क्या चुनौतियाँ हुई, वगैरह वगैरह बातें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है संविधान का मतलब क्या होता है। आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे होंगे कि संविधान क्या है, संविधान इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी भूमिका कैसी होती है, क्या रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर संविधान का हमारे लाइफ के अंदर इम्पैक्ट पड़ता है भी या नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसी वजह से हमें सबसे पहले समझना होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भारत देश ने अपनाया है, सही मायने में उस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, यानी कि इसकी जननी क्या है। तो लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट, इससे ये लिया गया है, जिसका मतलब गठित होना है और इसका मतलब एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापित करना। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन शब्द लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया है, एंड देन फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बना, जिसका मतलब संविधान है, और कॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है गठित होना। लैटिन शब्द ज़्यादातर हम अपने जो शब्द होते हैं यहीं से लेते हैं, उसके पीछे बहुत तगड़ा रीज़न है। अगर आपने 11th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी हो तो शायद से आपको समझ में आएगा। अच्छा, तो अब दूसरा क्वेश्चन यही निकल के आता है कि भाई, मतलब क्योंकि जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जानना ज़रूरी है कि भाई है क्या इसका मतलब, क्योंकि बहुत सी किताबों के अंदर इसके बारे में वगैरह वगैरह डेफिनेशन दे रखी है, पर मैं आपको सरल सिंपल शब्दों में बताना चाहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस ऑफ फंडामेंटल रूल्स ऑफ स्टेट्स। संविधान किसी राज्य का आधार या मूल कानून है या मौलिक कानून है। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। बहुत सारे जगहों पर अलग अलग मीनिंग लिखी हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटर्न प्रिंसिपल्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, है ना, उससे देश चलाया जाता है, स्टेट चलाया जाता है, वो भी सही है। अगर आप 1 मार्क्स में लिखना चाहते हैं तो आप ये चीज़ ज़रूर लिखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बेस ऑफ फंडामेंटल लॉ एंड लॉ ऑफ स्टेट्स। और आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर बच्चे कुछ कह रहे हैं कि भैया हमें सर हमें कुछ नोट्स चाहिए, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम ई पाठशाला ब्लॉग हमारा हमारे क्या कहते हैं वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको जल्द ही पेपरों से पहले आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर ई पाठशाला ब्लॉग .com के उस पर वेबसाइट पर ज़रूर कनेक्ट रहिए और मुझे मेल कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपके ईमेल आईडी पे भेजने की कोशिश कर सकूं, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सिस्टम आप लोग कर सकते हैं, हम करेंगे, उसके ऊपर काम हमारा बैकएंड में चल रहा है। सो आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। सो दैट इज़ वाई मैंने स्माइली आपके लिए बना के दिया है, ताकि आप समझ सकें। सो बेसिक प्रिंसिपल यही बताते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कैसे देश या किसी राज्य को चलाया जाएगा। कोई भी काम
वहाँ का नेता, वहाँ की पुलिस, वहाँ के अधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द बॉस। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को समझना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, चलो डेफिनेशन तो हमें समझ में आती है, डेफिनेशन होती क्या है। अब क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ भारत से रिलेटेड नहीं, बहुत सारे स्टेट से रिलेटेड पढ़ेंगे, बहुत सारी कंट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं दोस्तों। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जानना चाहते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रकार भी जानने आपको ज़रूरी है। सारी बाउंडेशन, सारी क्लियरेंस, सारे फाउंडेशन क्लियर करने की मैं आपकी कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए दिल थाम के, ठीक है। सो सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत देश का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज़ लिखी जाती है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो उसे ही हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अलिखित संविधान, जिसको लिखा नहीं जाता, उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही माना जाता है। किस देश का संविधान है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा भाई, कमेंट करिए कि किस देश का संविधान है जिसका देश का संविधान अनरिटन है। एंड देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं कठोर, ऐसा संविधान जिसमें आसानी से संशोधन या बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको कठोर संविधान कहते हैं। दूसरा फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान, ऐसा संविधान जिसको बहुत आसानी से बदला जा सकता है। सो ये चार प्रकार है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको फोकस इस पर रखना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आए टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप इसे लिख दीजिएगा आंख बंद करके बिंदास, आपको नंबर पूरे मिल जाने हैं। सो अब यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितने प्रकार के हैं, तो हमें जानना ज़रूरी है भाई फंक्शन कैसे होते हैं इसके। मतलब अगर संविधान इतनी बड़ी बुक है जिससे पूरा देश चलाया जा सकता है, तो इसके फंक्शन तो होंगे होंगे ना। तो भाई पहला पॉइंट है मेरा डाइवर्सिटी, मैं आपको बताना चाहता हूं अटक से लेके कटक तक, कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है। और बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप समाज के अंदर जी पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपके साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का फंक्शन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कार्य बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड। वीडियो के अंदर अगर मैं बनाने बैठूं तो पता नहीं कितने सारे निकल जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि किताबों से रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूं, ठीक है। तो पहला इसका जो फंक्शन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस, मतलब संविधान समन्वय और आश्वासन की अनुमति देता है। अब आश्वासन इन द सेंस मैंने आपको बताया कि अगर कोई बंदा नेपाल का यहाँ के मोमोज बेचता है, तमिलनाडु का यहाँ के सांभर बेचता है, या वगैरह वगैरह बिहार का कुछ लिट्टी चोखा बेचता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ऐसे डाइवर्सिटी लोगों को ना एक साथ जोड़ने की कोशिश करता है, और साथ साथ ये बताने की ये भी कोशिश करता है कि तुम्हारे बीच में जो डाइवर्सिटी है ना उसको ख़त्म करना, उसको दूर करना हमारे संविधान का काम है। अगर आप अपने आसपास के स्कूल, आसपास के सोसाइटी, आसपास का इलाका, आसपास के नेबर अगर आप देखेंगे, तो क्या आपके सारे के सारे लोग एक ही कैटेगरी के हो सकते हैं? अपने नज़रें घुमाइए दोस्तों और देखिए, आपको पता चलेगा कि हम भी डाइवर्सिटी का ही हिस्सा हैं, लेकिन संविधान की वजह से हम सारे के सारे लोग एक हैं। सो ये सारी बातें, सभी सदस्यों पे नियम सभी समान हैं, चाहे वो कन्याकुमारी में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, और चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो बॉस हो, कोई भी हो, भाई डाइवर्सिटी तो हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। लेकिन संविधान का सबसे पहला काम होता है हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना और अश्योरेंस करवा देना। अगर कोई बंदा हमारे देश के अंदर रह रहा है बिल्कुल पीसफुली, तो शायद से वो संविधान ही है जिसकी वजह से हम फ्रीली होके कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में फोकस करेंगे निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टता, मतलब स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पावर। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ आपके स्कूल का, क्या आपके स्कूल के अंदर सभी को एक ही डिसीजन मेकिंग पावर है क्या? आपके पास स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल के अंदर हेड मास्टर्स हैं, आपके स्कूल के अंदर आपके मैम हैं, आपके स्कूल के अंदर आपका क्लास मॉनिटर है ना, सबकी हेड ऑफ द अथॉरिटी अलग अलग है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैंने स्कूल के एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करी है, यही एग्जाम्पल आप देश को लेके चल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर हर किसी के पास नहीं होती है,
संविधान बनाना, उसे काम करना, उसे इम्प्लीमेंट करना, हर एक काम अलग अलग होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए एक और बैंक का। बैंक का अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो बैंक के अंदर काम करने वाला कर्मचारी, वो ना तो एक ही कर्मचारी पैसे लेता है, ना ही एक कर्मचारी हमारी फाइल चार्ज करता है, ना ही एक, मतलब डिपार्टमेंट अलग अलग बटे हुए हैं बैंकों के भी। सो दैट इज़ वाई हमारे देश के अंदर भी डिसीजन मेकिंग पावर जो है अलग अलग शक्तियों के रूप में बटी हुई है। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है संविधान के हिसाब से कि किस शासन के किस अंग के रूप में किसका काम है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, आई होप यू गेटिंग दिस। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नेक्स्ट थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि जिस तरीके से हमारे संविधान ने लोगों को शक्तियाँ दी है कानून बनाने की या कैसे भी मान लीजिए, और उसके हिसाब से मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए थे स्कूल के और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था बैंक का। जैसे कि बैंक के अंदर कैशियर का अलग काम होता है, मैनेजर का अलग काम होता है, हेल्पर्स का अलग काम होता है, वैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल, हेड मिनिस्टर, उसके बाद वाइस प्रिंसिपल, मैडम, बहुत सारे लोग होते हैं, सबका अलग अलग काम डिवाइड है। लेकिन ये काम जो होते हैं ना, अब ऐसा ही नहीं है कि आप अपने काम का मिसयूज़ कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। तो आप मिसयूज़ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके काम पे भी कहीं ना कहीं शक्तियों के ऊपर कहीं ना कहीं आपके पावर्स हमने बैठाई हुई है ताकि आपकी शक्तियों को सीमित किया जा सके। मतलब उन पर निरंकुशता नहीं लगाई जा रही है, उन पर ज़बरदस्ती कुछ तरीके का हरासमेंट नहीं करा जा रहा है, पर उनकी शक्तियों का वो लोग गलत इस्तेमाल ना कर ले इसीलिए उनकी शक्तियों पे थोड़ी सी सीमाएं लगाई जा रही है। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है हमारे देश के अंदर जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग है, लेजिस्लेचर है अलग है, जुडिशरी अलग है, सबकी अपनी पावर है। लेकिन साथ साथ हमने इनकी काम की सीमाओं को भी तय कर रखा है, वो करना ज़रूरी है। तो यानी कि व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना, प्रतिबंध करना ज़रूरी है। रिस्ट्रिक्ट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल राइट्स, समझ रहे हैं। अगर आप थाने के अंदर जाते हैं तो पुलिस वाले आपके काम करने के लिए हैं, अगर आपको वो उल्टा बोल रहे हैं तो इसका मतलब उनके ऊपर भी कोई ना कोई पाबंदी लगाई जाती है, तो वो लगा भी सकते हैं। तो छोटा सा ब्रीफली एग्जांपल है ये, और उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। समाज की किसी भी आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करना, यानी कि संविधान, एस्पिरेशन ऑफ गोल एंड द सोसाइटी। अब संविधान बन गया है, हमारे संविधान निर्माताओं ने या किसी और देश के संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाया, बहुत सोच समझ के समय लिया, और उसके बाद जब जितने भी हमारे गवर्नमेंट चलाने वाले ऑफिसर्स या जितने भी हमारे मंत्री पद पे अधिकारीगण, ये सारे के सारे लोग जब पोस्टों पे पहुंच जाते हैं तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इनको देखना है कि उस समय सोसाइटी का गोल क्या है, वहाँ पे सोसाइटी पे आकांक्षा एस्पिरेशंस क्या है लोगों की जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट काम है, सरकार कोशिश करती है कि अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से जनता की जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, समाज में न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए और एक अच्छा सरकमस्टांस क्रिएट करने के लिए बहुत मेहनत करती है। इसलिए समाज को कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे ये लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रावधान यानी कि प्रोविज़न निकालते हैं। समय समय पे हम लोग अपने संविधान के अंदर अमेंडमेंट करते रहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से क्योंकि हमारे देश के अंदर डाइवर्सिटी है। तो दोस्तों ये चार पॉइंट है, अगर आप इनको ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपके मार्क्स बिल्कुल 100/1% पक्का हैं। सो दिस इज़ पॉइंट ऑफ फंक्शन ऑफ द फीचर्स। थोड़ा आगे चलते हैं हम, अब चलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल, यानी कि आखिरकार शायद आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान की इम्पोर्टेंस क्या है। अब संविधान जो है ना हमारे देश के अंदर पूरी तरीके से एक मौलिक पहचान भी देता है लोगों को। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, प्राउड टू बी एन इंडियन दिया हुआ है इसमें, लेकिन एग्जाम्पल के लिए सरकार हमें मौलिक पहचान इसलिए देता है, जैसे हमारा आधार कार्ड, सरकार हमें मौलिक पहचान इसलिए दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्योंकि देना ज़रूरी है। तो यहाँ पे संविधान के कुछ बुनियादी कानून होते हैं, ये कानून समझाते हैं कि समाज पर
समाज पे किसका शासन होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, इसे राष्ट्रीय पहचान या मौलिक पहचान कहते हैं। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल के लिए मान लीजिए मौलिक पहचान है एक प्रेसिडेंट की, कि भाई ये प्रेसिडेंट, या मान लीजिए पीएम की एक मौलिक पहचान है, एक राष्ट्रीय पहचान है कि भाई ये पीएम है, अब इसी के पास ये कार्य करने की क्षमता है। अगर आपके इलाके के अंदर कोई SHO अपॉइंट होता है, इसका मतलब इसकी मौलिक पहचान और राष्ट्रीय पहचान हो गई कि भाई ये SHO है, इसके पास ये पावर है। सो ये राष्ट्रीय पहचान है जो हमें हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हमें मिलती है। आपके स्कूल में प्रिंसिपल भी एक पोस्ट है जो एक मौलिक पहचान हो सकती है, हालांकि वो इंडिविजुअल व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो भी तो एक हार्ड मास का इंसान है जो SHO है या PM है या प्रिंसिपल है या प्रेसिडेंट है, ये सब एक हार्ड मास के इंसान है, लेकिन कानूनी व्यवस्था से इनको इनकी काबिलियत के हिसाब से कोई ना कोई एक मौलिक पहचान या राष्ट्रीय पहचान दी गई है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि मौलिक पहचान यानी कि आइडेंटिटी ऑफ द पीपल होती क्या, फंडामेंटल आइडेंटिटी। अब पहचान को भी ना दो कैटेगरी में बांटा गया है, पहचान को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है पॉलिटिकल पहचान। पॉलिटिकल पहचान में होता है क्या है कि लोगों को कुछ मूल नियमों को स्वीकार करना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को स्वीकार करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड द पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और उसके साथ साथ नैतिक पहचान जो होती है, नैतिक पहचान हमें क्या कहते हैं, हमारे समाज की मूल जो प्रतिनिधित्व है उसको करने से मिलती है। मोरल आइडेंटिटी मींस व्हाट शुड वी डू और व्हाट शुड वी डू नॉट, इट्स रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द सोसाइटी, इट इज कॉल्ड द मोरल आइडेंटिटी। मतलब नैतिक पहचान, आपके आप मम्मी पापा के पैर छूते हो तो आपकी नैतिकता की पहचान दर्शाता है कि आप समाज के किस वर्ग से आते हो। आप सुबह सूरज का नमस्कार करते हो, आप ट्रैफिक पुलिस के नियमों को कायदे कानून पास करते हो, फॉलो करते हो उन्हें, तो ये सब आपकी नैतिक पहचान को दर्शाता है। राष्ट्रीय पहचान कोई भी हो सकती है, पर नैतिक पहचान आपकी सोल से आती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं आगे। आप देखते हैं अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की सत्ता। हमें संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा तो हमने देख ली, हमने इनके कार्य देख लिए कितने प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन सही मायने में संविधान जो है उसका अधिकार है, उसका काम है कि वो स्वतंत्रता, समानता, शांति, सुरक्षा प्रदान करे, और ये संविधान सुनिश्चित करता है। यह सभी अधिकार ऐसे संविधान के अधिकार को बनाए रखने में हमारे देश के लिए बहुत कारगर साबित होती है। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड पीस एंड सिक्योरिटी, वो चीज समाज के अंदर होनी जरूरी है, जिसे अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सो दोस्तों अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है और अभी तो पूरी पढ़ाई बाकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको पॉलिटिकल पसंद आई होगी। सो दिस इज इट इन दिस पार्ट। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब ही बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।